start. Hello students, my name is Rajesh Kumar, teacher of Jesus and Mary Academy, Hazirgan, Patna City. आज मैं स्टैंडर्ड फोर्थ के बच्चों के लिए हिंदी विषय से पाठ तीन बुरे फंसे मंत्री पढ़ाने के लिए आया हूं। सबसे पहले आज हम इसका बुरे फंसे मंत्री का सारांश जानेंगे, इस पाठ में है क्या। यह एक राजा के बारे में कहा गया कि उनके आदतें कैसी थी। राजा जानते हैं कि प्रजा की सेवा के भलाई के लिए ही राजा होते हैं, लेकिन कभी कभी उनके साथ जो मंत्री होते हैं या उनके सलाहकार जो होते हैं, उनके कानों में तरह तरह के गलत बातें को भर करके प्रजा के बीच भ्रम फैलाने का काम करते हैं, जिससे कि राजा उनके बातों में आ जाते हैं और प्रजा को प्रताड़ना देने लगते हैं। ऐसा ही आज इस पाठ में भी कहा गया है कि एक राजा है, वे अपने मंत्री की बातों को मान करके अपने प्रजा के हित में ना जा करके वे उन्हें प्रताड़ना करने के लिए चाहते हैं। मंत्री अपने कामों को अपने भलाई के लिए सोचते हैं कि राजा को अगर कानों में उनके अच्छी अच्छी बातें भरेंगे या उनकी बढ़ाई करेंगे या उनके किसी भी काम को हमें हाँ मिलाएंगे तो वे हमसे ज्यादा प्रसन्न होंगे। ठीक, राजा भी सही करते हैं, मंत्री के बातों में आ जाते हैं, उनके सभी कामों में हाँ भर देते हैं, जिससे कि मंत्री की पौवारा हो जाती है। पौवारा का मतलब होता है उन्हें सब काम आजादी से करने के लिए मिल जाता है, वे किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं। और इसका प्रभाव जो वहां की प्रजा है उन पे पड़ता है। तो यहाँ राजा के जो भी आदेश हैं उनको नहीं मानने के लिए उनकी पत्नी भी उनके साथ उनके विरोध में खड़ी हो जाती है कि नहीं, आप जो कर रहे हैं ये प्रजा के लिए बहुत ही हानिकारक है, जिससे प्रजा का बहुत ही नुकसान होगा। इस तरह से वे प्रजा के हित के बारे में सोचते हैं और रानी राजा को बहुत समझाती है कि आप इस तरह की बातें मत करिए, आप मंत्री के बातों में मत आइए, जिससे कि प्रजा की भलाई में बाधा। लेकिन वे अपनी पत्नी की बातों को नहीं सुनते हैं, लेकिन वे मंत्री की बातों को ही मानते हुए, क्योंकि मंत्री उन्हें अपने कब्जे में ले करके उन्हें उनके कानों को भर करके इतनी बुरी तरह से उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं कि वे किन्हीं के बातों पे विश्वास ही नहीं करते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि वे क्या कर रहे हैं, बस मंत्री की हाँ में हाँ मिला देते हैं, जिससे कि मंत्री की पौवारा हो जाती है और वे उनसे ज्यादा धन वसूलते हैं। तो आइए हम फिर इस पाठ में देखा गया है कि राजा के विरोध में उनकी पत्नी भी आ जाती है और वे सोचते हैं कि राजा को इस मंत्री के चंगुल से किस तरह से छुड़ाया जाए, इसलिए वे अपने उनके भाई होते हैं, वो उनका नाम तेज सिंह था, वे उन्हें बुलाते हैं कि राजा को इनके मंत्री के चंगुल से किस तरह छुड़ाया जाए। तो भाई भी अपनी बहन के रक्षा के लिए वे हमेशा मदद करने के लिए वे आगे आते हैं और वे अपनी बहन की बातों को समझते हैं और इस प्रकार वे राजा के लिए एक चाल चलते हैं कि वो राजा का मन किस तरह से परिवर्तित होगा। तो वे अपने गले में घोल टांग करके उन्हें राजा को बहुत ही क्रोधित करते हैं और वे ऐसा करने के लिए अगर राजा उन्हें पूछने की है आपको किसने कहा, तो वे सीधे ब्लेम लगाते हैं कि ये मुझे मंत्री ने कहा। इस तरह से रोज ऐसा ही करने पे, दो तीन बार करने पे राजा बहुत ही दुखी हो जाते हैं और मंत्री के विरुद्ध में उन्हें बहुत ही क्रोध उत्पन्न होने लगता है कि अगर ये मंत्री कर रहा तो हमसे भी बढ़कर हो गया। तो ये मंत्री को बुलाते हैं और मंत्री जब आते हैं तो उन्हें पता हो जाती है कि राजा हमसे बहुत ही गुस्से हैं और वे अभी मेरे बातों को नहीं मानेंगे, इसलिए वे उस राज्य को छोड़ करके वे चले जाते हैं और वहां के जितने भी वे उनके चापलूस थे उन सभी को लेकर के चले जाते हैं।
और इस तरह से फिर से राजा अपने राज्य में प्रजा के बीच जाते हैं और प्रजा उनसे बहुत ही खुश होते हैं, उनकी पत्नी भी उनके साथ होती है और राजा भी अपने पत्नी के बातों को फिर से वो मानते हुए उन्हें आगे के कार्य को करने के लिए प्रोत्साहन करते हैं, जिससे कि राजा भी प्रजा के दिल में फिर से अपना जगह बना लेते हैं और राजा की जय हो सभी प्रजाएं कहने लगती हैं। तो अब हम पाठ के ऊपर चलते हैं। पाठ में दिया गया कि एक राजा साहब थे। राजा साहब की आदत थी कि वे दूसरों के बहकावे में तुरंत आ जाते थे, जिससे कई बार लोग बुरे भी फंस जाते थे। ऐसे में रानी साहिबा आगे आती थी और राजा के जो उनके जो डिसीजन है, जो उनकी आज्ञा है, उनके वे खिलाफ हो जाती थी और कभी कभी राजा के बातों के डिसीजन को वे संभालती भी थी। राजा के लाश को भी वो बचा के रखती थी। राजा का मंत्री बहुत ही चालाक था। आपको पहले ही बताया है कि राजा के जो मंत्री थे बहुत ही चालाक थे। वे राजा साहब को उंगलियों पे नचाते हैं। यहाँ पे उंगलियों पे नचाने का मतलब होता है अपने बातों में उलझा करके उन्हें सारे काम को करवाना। ऐसा नहीं कि वह उंगली पे नचा रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है, उंगली पे नचाना मुहावरा, कि वे अपने बातों से उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे और उन्हीं के बातों पे राजा चलते थे। हाँ, वह रानी साहिबा से परेशान होते थे। और यहाँ पे रानी साहिबा से परेशान इसलिए होते थे क्योंकि रानी साहिबा हमेशा मंत्री के खिलाफ थे। क्योंकि वे जानते थे कि मंत्री राजा के चापलूस है और वे प्रजा की भलाई नहीं चाहते, वे अपनी भलाई चाहते हैं। इसलिए रानी साहिबा से मंत्री हमेशा डरते थे और परेशान भी रहते थे। एक दिन मंत्री ने उनके पर कतरने की चाल बिछाई। पर आने पर यहाँ एक कठिन शब्द आया। पर का मतलब होता, आप लोग देख सकते हैं इस शब्द में, पर का मतलब पंख होता है। यानी पर कतरने, यानी कि ऐसा वो करने के लिए सोच रहा था कि अगर हम ऐसे अगर मंत्री को करेंगे तो ये हमारी बातों पे आ जाएंगे। उसने अपने भरोसेमंद आदमियों को राजा साहब के दरबारी के रूप में शामिल कर लिया। अब इधर मंत्री भी अपने चाल चल करके जितने भी दरबारी में वहां पे व्यक्ति थे सभी को अपने जाल में फंसा करके, अपने भरोसे में ला करके सभी आदमियों को वे अपनी ओर हा में हा करने के लिए शामिल कर लिए। अब राजा के बातों में अगर कोई मंत्री राय देता था तो वे सभी दरबारी उनमें हा में हा मिला देते, क्योंकि वहां पे जितने भी मंत्री सलाहकार थे, उनके जितने भी दरबारी थे, सभी मंत्री के आदेश के अनुसार ही उनके आदेशों को ही पालन कर देते। और अगर मंत्री अगर कह देते थे कि हाँ राजा साहब ये ठीक है, तो सभी दरबारी वहां पे हाँ में हाँ उनका मिलाते थे। अब रानी साहिबा की कुछ नहीं चलती थी क्योंकि सारे दरबारी मंत्री के ही हाँ में हाँ मिलाते थे। और स्वाभाविक बात है, आप लोग भी जानते हैं कि मेजोरिटी सबसे पहले हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, मेजोरिटी ज्यादा देखते हैं। अगर हम में कोई अगर बोलेगा कि 10 को अगर हाथ उठाए बोले कि नहीं ये सही है, तो उसी पे विश्वास कह रहा था, ना कि 2 आदमी अगर हाथ उठाए कि नहीं ये गलत है तो उस पर विश्वास करेंगे। इसलिए मेजोरिटी में सब लोग विश्वास करते हैं। तो यहाँ भी क्योंकि दरबारियों में मंत्री का ज्यादा मेजोरिटी था, ज्यादा संगठन था वहां पे उनका, इसलिए सब लोग राजा की बातों को मानते हुए मंत्री के ज्यादा बातों को मानते थे, राजा के बातों को उतना महत्व नहीं देते, जिससे उनकी रानी बहुत ही दुखी रहती थी। वे परेशान हो गए थे, बेचारे रानी परेशान रहने लगी, करे भी तो क्या करे। परेशान होकर उन्होंने एक दिन अपने भाई के पास संदेश भेजा। भाई के पास संदेश भेजने पर हम लोग भी जानते हैं कि हम लोग भी अगर कोई मुसीबत हो जाती है तो हम लोग भी किसी से मदद मांगने के लिए जाते हैं। हम आप सभी लोग यहाँ पे सब एक दूसरे से कोई ना कोई कामों को अपनी सहायता के अनुसार ही उन्हें मदद मांगते हैं या काम करते हैं। हम भी किसी को मदद करते हैं, वे भी हम लोगों को मदद करते हैं। इसलिए यहाँ भी अगर रानी साहब अकेली पड़ गई थी, वे उन्हें अपने भाई की याद आई। उन्होंने कहा कि आप मुझे इस मुसीबत से निकालिए, मैं मुसीबत में हूँ, आप मुझे आकर के यहाँ से निकालिए। रानी साहेबा का भाई का नाम था चतुर सेन। वे मथुरा में रहते थे। उनका दिमाग बहुत बड़ा ही तेज तराज का था। वह आया तो रानी साहेबा ने उसे सारी बात बताई।
जब वे रानी साहिबा से मिलने आए तो सारे घटनाक्रम को उन्होंने बताया कि मंत्री किस प्रकार राजा को अपने चंगुल में कर लिया और मंत्री राजा से सारे बातें को मनवा लेते हैं जिससे कि प्रजा की अनदेखी हो रही है, प्रजा इनसे नाखुश है। तो ये सब बात सुनकर चंद्रसेन ने एक योजना बनाई कि किस तरह से मंत्री को इसका पर्दाफाश किया जाए राजा के सामने। तो उन्होंने एक शाम विचित्र घटना घटी, जब राजा अपने बाग में टहल रहे थे तो उनके दिमाग में अचानक एक सुझाव सुझा कि मैं योजनाएं सुझे कि किस तरह से राजा को इसके बारे में आगाह करना है। अचानक बाग में एक ढोल बजने की आवाज सुनाई देने लगे। राजा ने कहा कि देखो ये मंत्रियों को बोल करके, अपने दरबारियों को बोल करके, देखो ये ढोल की आवाज कहाँ से आ रही है, ये कौन बजा रहा है, उसे आप मेरे पास लाइए। तब जाकर के सिपाही लोग गए और उधर देखा तो एक अजनबी, क्योंकि यहाँ राजा के दरबार में या राजा के राज्य में क्योंकि वो रानी का भाई आए थे इसलिए सब लोग इनसे अनजान थे, वे एक अजनबी थे, उन्हें कोई नहीं पहचानता था कि इस राज्य का, इसलिए लोग बोले कि एक अजनबी ढोल बजा रहा है। उसे पकड़कर राजा साहब के पास लाया गया। वो अजनबी आते ही राजा साहब के कदम में जा गिरा, यानी रानी साहिबा का जो भाई थे वे अजनबी बनकर आए थे, क्योंकि वे अजनबी थे, वे राजा साहब के जाकर पांव में गिर गए और उनसे गिरा कर बोलने लगे, हजूर मुझे माफ करिएगा, मुझे पता ही नहीं था कि आप इतने नाराज हो जाएंगे, मुझे तो मंत्री जी ही नहीं कहा था कि बाग में ढोल बजाने से राजा साहब आपको इनाम देंगे। ढोल की आवाज सुनकर राजा साहब बहुत ही प्रसन्न होते हैं। यहाँ पे इसलिए कहा गया, इसलिए वे इस बात को कहे क्योंकि वे मंत्री को राजा के सामने पर्दाफाश करना चाहते थे कि मंत्री जो आपके आपके जो मंत्री हैं वे अच्छे नहीं है, वे प्रजा की भलाई नहीं चाहते हैं, वे अपनी भलाई चाहते हैं। तो इस तरह से बोले कि उन्होंने इन्होंने मंत्री के इस कार्य के लिए मंत्री को ही जिम्मेवार ठहराया। फिर आगे चलते हैं हम लोग। राजा साहब गरज कर बोले, भागो यहाँ से, खबरदार जो भी कभी मेरे यहाँ रियासत में आए और ढोल बजाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर अजनबी वहां से तुरंत भाग गया। इसके बाद मंत्री को बुलाकर राजा साहब ने आदेश दिया कि आज ही से राज्य में ऐसा ऐलान कर दिया जाए कि कोई ढोल नहीं बजाएगा, सारे ढोल बजाने वाले में पाबंदी है। सभी ने उन्हें कहा, जी हजू जैसी आपकी आज्ञा है। मंत्री भी वहां से चला गया। मंत्री के जाने के बाद कुछ क्षण बाद अचानक फिर से ढोल बजने की आवाज आने लगी। इस बार ढोल बजाता हुआ वे राजा के पास ही चले आए। तो राजा के पास आते ही झुक करके सलाम किया, फिर से पैरों पर गिर गया, बोले हुजूर मंत्री जी अभी अभी यही सी रास्ते से जा रहे थे, मुझे ही रास्ते में मिले हैं। और बोले कि चाहिए ना, वहां पे राजा साहब दरबार में बुलाने हैं कि ढोल बजाने से राजा साहब बहुत ही प्रसन्न होंगे, आप वहां जाइए। और राजा साहब ढोल की आवाज को सुन करके बहुत ही खुश होते हैं, आप तुरंत इनाम दे देंगे आपको। तो मैं भी क्या करता, मैं आप राजा हैं, राजा की ये बातों को मानना था इसलिए मैं आपके पास चला आया और आपके पास आकर के ढोल बजा रहा। इतना कहकर ढोल वे बजाना शुरू कर दिए। अब तो राजा का पारा मैंने समझते हैं आप लोग, अरे जो सर का जो बेलून होता है वो सातवें आसमान पर चला गया, यानी बहुत वे क्रोधित हो गए, इतना क्रोधित हो गए कि लग रहा है कि अगर उसमें कुछ होता तो वो ज्यादा ही कुछ कर देते। उन्होंने चीख सिपाही से कहा, पकड़ो इस शैतान को, इन्होंने मेरे आज्ञा का उल्लंघन किया है, क्योंकि राजा का आदेश था कि कोई भी उनके राज्य में ढोल नहीं बजाएगा। ढोल वाला भागता हुआ चिखता हुआ बोला कि कोई बात नहीं, आप तो मुझे भगा दे रहे हैं ना, लेकिन मंत्री साहब की जय, मंत्री की जय। बोला कि हमसे ज्यादा मंत्री की जय होने लगा, मैं राजा होकर मुझे कोई राजा की जय नहीं कह रहा लेकिन मंत्री की जय बोल रहा। राजा साहब दांत पीसते हुए चिल्लाने लगे, कौन ऐसा है, सिपाही पकड़ कर लाओ, जल्दी से उस मंत्री को लाओ, सभी लोग क्यों मंत्री की जय जय कर रहे हैं, लगता है कि मंत्री ने ही सभी को बांध रखा है, इसलिए मंत्री को पकड़ कर लाओ।
सारे सिपाही मंत्री को पकड़ने के लिए दौड़ गए, लेकिन मंत्री बहुत ही चालाक, अभी पहले ही जानते थे कि अगर मेरा ये पर्दा फास होगा तो राजा मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैं जैसे सिपाहियों की आने की आवाज सुने मंत्री जान गए और वे अपने सियासत छोड़कर भाग गए। मंत्री भाग तो गए और वहां से उनके साथ जितने भी वे दरबारी को रखे थे सारे लोग वहां से भाग गए। अब फिर से दरबार सुरक्षित हो गया, फिर से दरबार पहले की तरह जनता के लिए खुल गया, जनता की बातों को सुनने लगा, राजा जनता की बातों को सुनने लगे। अब वे रानी से भी अपनी सलाह लेते थे, रानी भी उन्हें सलाह देती थी कि क्या काम सही है क्या काम गलत है, राजा की किस तरह से प्रजा की किस तरह से भलाई होगी, राजा को हमेशा सलाह देती थी। अब फिर से राजा का दरबार पहले की तरह अच्छी तरह से चलने लगा, गरीबों की वहां देखभाल होने लगी, प्रजा की देखभाल होने लगी, सभी की जो भी इच्छाएं थी वे सब पूरी होने लगी। इस तरह से इस मंत्री को भी पता नहीं चला कि कौन यहाँ ढोल वाला आया था और वे मुझे कैसे निकाल के चला गया। यहाँ तो आप लोगों को पता है ना बच्चों कि मैं पहले ही बताया था कि जो ढोल वाले थे वे रानी साहिबा के भाई कौन थे, चतुर सेन थे। तो इस पार से हम लोग को यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की बातों में या किसी की बातों में नहीं आना, ना ही हमें किसी की चुगली करना है, ना किसी की बातों में अड़चन डालना है। हमें अपने कामों को अपने परिश्रम लगन के साथ करते जाना। हम लोग को पता है कि अगर हम लोग अगर परिश्रम और लगन से अगर काम करते हैं तो वह हमें फल अवश्य प्राप्त होगी, हमें जरूर सफलता मिलेगी, हम लोग जरूर आगे बढ़ेंगे। अगर हम लोग किसी को अगर धोखा देते हैं, आज अगर हम लोग अगर धोखा दे रहे हैं तो कल हमें भी धोखा मिलेगा। इसलिए कहा गया है अगर हम जैसा काम करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। यहाँ भी इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है अगर ये मंत्री अगर अच्छे काम करते हैं तो इन्हें दरबार में रहने का हमेशा अवसर प्राप्त होता, लेकिन इन्होंने क्या किया, दरबार में आकर के राजा के कान भरे आप प्रजा की अनदेखी की, इसलिए इन्हें बाद में अपने ही करने का फल इन्हें मिला और इन्हें वापस दरबार से बाहर जाना पड़ा। तो हम लोग को आज यही प्रण करना है, इस पाठ से हमें यही सीख लेना है कि हमें भी जो भी काम करना है सच्चे मन से करना है, अपने लगन परिश्रम से काम करिए, ना कि किसी के बहकावे में आइए, ना किसी की आप बुराई करिए चुगली करिए। हमें हमेशा अपने कामों पे ही ज्यादा ध्यान देना है, दूसरी बातों पे ध्यान नहीं देना। आगे का जो भी इस पार्ट का एक्सरसाइज है वे सब आपके टेनर पे दिया जाएगा और यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, कठिन शब्द है उनके शब्दार्थ है, वे आप अपने कॉपी में लिख लेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर करिए। थैंक यू।